नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा पैसा बनने वाला है। गरीब लोग है, मिडिल क्लास है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे आप कितना पैसा डालोगे तो उसके सामने कितना सारा रिटर्न आपको मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात कर दें, स्टेट बैंक मतलब भारत का सबसे बड़ा बैंक, विश्वासपात्र बैंक, आप आंख बंद करके पैसा डाल सकते हो इसके अंदर। इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप यहां पे पैसा बनाओगे, तो चलो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारो, ओ यारो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो। सबसे पहले साथियों बात करें तो स्टेट बैंक की ये स्कीम है, काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसका नाम है स्टेट बैंक का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हाँ दोस्तों, यानी कि एक म्यूचुअल फंड है। अभी सवाल आता है म्यूचुअल फंड मतलब क्या, मतलब आपका पैसा आपसे लेके डालेंगे शेयर बाजार में। दोस्तों शेयर बाजार तो पता ही है, शेयर बाजार में बहुत ही रिस्क होता है, मार्केट में पैसा जाता है तो डूब भी सकता है। लेकिन दोस्तों रिस्क है तो रिस्क है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ज़्यादा मत डालिए, 1000-2000 मंथली डालिए, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपको, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी साथियों बात करते हैं इसके अंदर रिटर्न की, तो इसने लास्ट 6 मंथ में रिटर्न निकल के दिया है 18.57%। और दोस्तों यहाँ पे इसने लास्ट 1 ईयर यानी कि 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने निकाल के दिया है 21.50% का रिटर्न इसने निकाल के दे दिया है। अभी साथियों हम आगे बात करें तो लास्ट 3 ईयर का इसकी रिटर्न की बात करें तो इसने रिटर्न निकाल के दिया है 28%, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है, फेवरेबल रिटर्न है। FD से एटलीस्ट 3 से 4 गुना रिटर्न आराम से ले सकते हो। अभी आगे बात करें तो 5 साल की बात करें तो इसका रिटर्न है 25%, यानी कि पिछले 5 साल में जिसने पैसा लगाया है उसको 25% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है ये स्कीम। अभी दोस्तों बात करें तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना कितना है, मिनिमम 500 रुपये से आप कर सकते हो, या 500, 1000, 2000, 5000, जितनी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से करो। ज़्यादा मत डालना पैसा भाई, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है, आप अपनी कैपेसिटी रिस्क जितना ले सकते हो उतना ही डालो। फिर आगे हम बात करते हैं इसकी फंड साइज, यानी कि कितना रुपया इसमें लगा है, 22,800 करोड़ इतना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। इसलिए आप देखो दोस्तों कितने सारे लोगों ने कितना सारा पैसा लगाया हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी स्कीम के अंदर, इसलिए काफ़ी अच्छी स्कीम है। अभी बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, ये पैसा आपसे पास लेगा और डालेगा म्यूचुअल फंड में तो मुफ्त में थोड़ी करेगा, आपके पास चार्ज लेगा, ये चार्ज को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। यह 0.68 यानी कि 70 पैसा जितना आपके पास चार्ज लेगा, 100 रुपये पे 70 पैसा, काफ़ी अच्छा है, ये मीडियम चार्ज बोल सकते हैं। अभी एग्जिट यानी कि 1 साल के अंदर आपको भाई नहीं रखना है, मेरे को बंद करो इन्वेस्टमेंट, तो 1% पेनल्टी लगेगी और फिर बंद हो जाएगा। और 1 साल के बाद अगर आप बंद करवाते हो तो कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। साथियों अभी हम आगे बात करें तो इसकी होल्डिंग, यानी कि आपके पास तो पैसा ले लिया इसने, लेकिन ये पैसा डालता कहाँ है, तो इसका हम देखें तो यहाँ पे आप देखो कंपनियों का नाम है अलग अलग, ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर 4% इसने पैसा डाल दिया है, SBFC फाइनेंस के अंदर 2.5% है, CMA इन्फ्रो सिस्टम में है इसमें 2.5%, फिर कल्पतरु प्रोजेक्ट में है 2.5%, फिर कार्पोरियम यूनिवर्सल में है 2.5%, फिर आगे बात करें तो चैलेट्स होटल के ग्रुप में है इसका 2.5%, फिर SNGVN लिमिटेड में है 2.5%, लेमन ट्री होटल के अंदर 2.5% है, ASAB इंडिया लिमिटेड में 2.5% है और ELG इक्विपमेंट में 2.5% है। यानी कि सब छोटी छोटी कंपनी है, इसके अंदर पैसा लगाया है, इसके अंदर रिटर्न मिलता है तो बम्पर मिलता है और डाउन होता है तो भी बम्पर डाउन होता है, इसलिए आप ध्यान से लगाइए पैसा इसके अंदर। हाल अभी तक तो रिटर्न मिला है सबको, आप देख सकते हो। अभी बात करें तो कितना पैसा लगाओगे तो कितना पैसा मिलेगा, अभी हम बात करें तो इसके अंदर आप 2000 रुपये लगाओगे हर महीने तो 10 साल में आपका पैसा जाएगा 2,40,000 और उसके सामने आपको मिलेगा 7,65,000 रुपया। अभी 2000 रुपया हम 15 साल तक भरे तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000 और उसके सामने हमको मिलेगा 22,70,000 रुपया। अभी यही 2000 हम 20 साल तक कंटिन्यू करें तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,80,000 रुपया और उसके सामने हमें मिलेगा 63,23,000, यानी कि 2000 इन्वेस्टमेंट करो 20 साल बाद 63 लाख मिलेगा। अभी आगे बात करें है 2000 आप अगर 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे 25 साल तक, अभी आगे बात करें तो 2000 आप 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख और उसके सामने मिलेगा 1,73,00,000। दोस्तों है ना काफ़ी कमाल की स्कीम।
आज ही आप स्टेट बैंक विजिट कीजिए और खुलवा लीजिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड रिस्की है, आप अपने दम पर खुलवाइए, हम यहाँ पे सजेशन नहीं करते हैं, खाली दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।